बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूँ सैयदा जमी नाजर। पेश अब तक की हेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की अहली के लिए दायर नजरसानी की दरख्वास्त पर जमात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में अपनी तर्ज के मुनफरिद फैशन शो का इनेकाद किया गया। फैशन शो में मॉडल्स ने खुद को सर से पांव तक ढकते हुए अबाया जेब तन कर रखे थे और साथ ही हाई हील भी पहन रखी थी। बदगुमानी के खिलाफ सरगर्म बैन अवी तंजीम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ग्लोबल करप्शन इंडेक्स जारी किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई है। कराची में खेले जा रहे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट कौमी टीम 378 रन बनाकर आउट हो गई और उसे मेहमान टीम पर 158 रन की बढ़ोतरी हासिल है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के थाने बनी गालक के रूप में दो ग्रुपों के दरमियान जमीन के तनाजे पर फायरिंग हुई। अमेरिका ने सऊदी अरब और मुत्तहिद अरब अमारात को हथियारों की फरोख्त रोक दी। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप के दौर में सऊदी अरब और मुत्तहिद अरब अमारात को अरबों डॉलर्स के हथियार फरोख करने का फैसला किया गया था, जिसे नए सदर जो बाइडेन की इंतजामिया ने आर्जी तौर पर रोक दिया है। आलमी वबा कोरोना वायरस तो पाकिस्तान में मजीद 64 अफराद जहाँ बाग हुए और 1910 नए केसेज सामने आए हैं। दुनिया भर में कोरोना केसेज की तादाद में 10,14,00,000 से बढ़ गई और 21,84,126 अफराद जान की बाजी हार गए। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की साहिबजादी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन बख्तावर भुट्टो की रस्म हिना बिलावल हाउस कराची में अदा कर दी गई। अमेरिका में हुकूमत मुखालिफ इंतहा पसंदों की जानिब से दहशतगर्दी का खदशा जाहिर किया गया है। अमेरिकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की जानिब से अलर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबात की शिकस्त से मायूस अनासर एक मरतबा फिर हालात खराब कर सकते हैं। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए सच एक्सप्रेस न्यूज और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.sachexpressnews.com। हमारे साथ रहिए।